फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है। मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ से लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरी आवाज़ कितनी मोटी आ रही है, मेरा गला बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मेरे सब पास जो ये होता है मोबाइल रखना, ये भी नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। मैं किस पे लगा करके आप सबसे बातें करूं, कैसे वीडियो शूट करूं? मैं कई दिनों के बाद, यानी कम से कम एक डेढ़ महीने के बाद मैं फेस वाला वीडियो बना रही हूं। कई दिन बीत गए हैं, मैंने फेस वाला वीडियो नहीं बनाया था, मैंने आप सबसे ज़्यादातर बातें भी नहीं की थी। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और वैसे तो आप सब लोग मुझे ऑन कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आता है। तो ऐसा मत करना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, वीडियो लेकर आऊंगी, अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, तो हाँ फ्रेंड्स, और आप सब डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों डिसलाइक कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप सब डिसलाइक कर रहे हो, फिर भी कमेंट करके मुझे बताते भी नहीं हो कि हाँ दी, ये प्रॉब्लम है, आपकी वीडियो मुझे नहीं पसंद आती, आप अच्छे वीडियो नहीं बनाती हो, ये सब बता दिया करो। अगर बता के अगर डिसलाइक आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलते हो, ऐसे ही डिसलाइक कर देते हो, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्यों डिसलाइक करते हो। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि ये यूट्यूबर नहीं कर रहे हैं, कोई और ही कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर तो ऐसा कर ही नहीं सकते जो डिसलाइक करेंगे। बाकी कोई अन्य है जो मुझे डिसलाइक करता है, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि एक बार आप भी कैमरे के सामने आ जाओ और वीडियो बना के देखो, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा झिझक होता है वीडियो बनाने में। अच्छे अच्छों की तो बोलती बंद हो जाती है कैमरों के सामने, तो आप क्यों डिसलाइक करते हो? एक बार यार समझो ना कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक बार समझ लो ना, उसके बाद ना आप जी भर के डिसलाइक करो। मुझे डिसलाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे जो डिसलाइक से होता है, ये तो होता नहीं कि मेरा आवाज़ कम हो जाएगा या व्यूज कम हो जाएगी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा, आप अगर डिसलाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा शिकायत आई, मेरे घर से ही शिकायत आई, रिश्तेदार में किसी ने मेरे पापा से शिकायत कर दी। और वैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी वीडियो पर, लेकिन वैसे मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने डाला था, हॉस्पिटल का वीडियो डाला था, उनको क्या प्रॉब्लम हो गई, उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने उनसे बात भी नहीं की, लेकिन मेरे पापा से बहुत शिकायत की है, कई लोग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया? मैंने हॉस्पिटल का ही तो वीडियो डाला था, मैंने किसी की उसमें फेस वाला वीडियो भी नहीं बनाया था कि किसको क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है। चलो हटा दो उस बात को, मैं उस बात पे बहस नहीं करना चाहती आप सबसे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी आप सबसे कि आप लोग डिसलाइक कर रहे हो, खूब करना, जी भर भर के करना, लेकिन एक बार मुझे बता दो कि क्यों आप लोग डिसलाइक कर रहे हो? प्लीज कमेंट करके बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझसे बोलो, मुझसे बताओ कि मैं डिसलाइक करूँगी, आपकी वीडियो नहीं पसंद आता है, कि डिसलाइक करूँगी या करूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि वो लड़की है लड़का है, लेकिन हाँ डिसलाइक बहुत भर भर के आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आप सबसे झगड़ना ना पड़े, लड़ना भी ना पड़े, प्लीज़ आप सब सुधर जाओ, डिसलाइक मत करो यार। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, मेरा वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो, मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो, तो डिसलाइक करना बंद कर दो, क्यों करते हो? अगर नहीं पसंद आता तो मत देखो, मैं किसी को कुछ थोड़ी कर रही हूँ कि आप लोग आकर के देखो, डिसलाइक करके चले जाओ, जो मन का है कमेंट में लिख के चले जाओ, मत किया करो ऐसा। अगर ऐसा करोगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा आप सब पे, अभी मैं केवल सीधे सीधे बता रही हूँ आप सब से कि आप सब ऐसा मत करो, क्योंकि आप सब देख रहे हो कि मेरा हालत कितना ज़्यादा ख़राब है, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, मुझे एनीमिया हो गया, मैं बीमार भी हूँ, आप लोग मुझे टेंशन भी दे रहे हो, मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, फिर भी आप सब टेंशन भी दे रहे हो। मैं मन करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये होता है कि कमेंट जो होता है अच्छा नहीं आता है, डिसलाइक आता तो मेरा मन ही टूट जाता। तो प्लीज़ आप सब ऐसा मत किया करो, मुझे तो लगता है कोई एक ही आदमी जो मुझे डिसलाइक करता है, उसके पास एक दो तीन ईमेल आईडी होगी, उसी से वो कर देता है। लेकिन ऐसा मत करो, कहीं आप भी मुसीबत में फंस जाओगे तब पता लगेगा कि क्या होता है। वैसे
कोई मजबूर होता है तभी तो कोई काम करने का सोचता है, अगर मजबूर ना हो तो क्यों काम के लिए आएगा, खुद आराम से बैठकर रोटियां टूटेगा। पर हाँ, मजबूरी में तो लोग सोचते हैं कि दो पैसा हमारे घर पे आ जाए, मेरे बाल बच्चे सुखी रहें, तो बस मैं भी यूट्यूब पे आ गई तो क्या गलत कर रही हूँ इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब समझ गए होंगे, डिसलाइक करना बंद कर दोगे, और अगर डिसलाइक करोगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। और आप ऐसे ही खोपड़ा लेकर मत सामने आ जाया करो, कम से कम कुछ सोच लिया करो। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, क्योंकि जब भी देखो तब डिसलाइक होता है, मेरी तबीयत भी सही नहीं, फिर भी टेंशन हो जाता है, कमेंट भी सही नहीं आता है तो बुरा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो सॉरी, मैंने सबको नहीं कहा, आप लोग को नहीं कहा, और जिसने इसे डिसलाइक करने की सोची या कर रहे हैं उनको मैंने कहा है। तो ठीक है, आप लोग खुश रहना, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना, और मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, धन्यवाद, बाय बाय।